बेटा, अब जल्दी से सो जाओ वरना क्या हुआ बेटा, नींद नहीं आ रही? घर की याद आ रही है? तुम्हारा मायका भी तो होशियारपुर में ही है ना? तुमने ढाबे पे बताया था घर वालों से मिलने आई थी। नहीं, घर वालों से नहीं मिली। ओ, तो अब समझी, तुम उनसे ही मिलने जा रही थी। घर वालों से दूर रहना कितना मुश्किल होता होगा ना। देखो तो मेरी गीत कैसी लगेगी। माँ, मायका, आज से आप लोगों का मुझसे कोई रिश्ता नहीं। आप लोग मेरे कोई नहीं लगते। न जाने कब कितना पीछे छूट गया और मैं आगे बढ़ती चली गई, सबसे पराई हो गई। अब तो वापस जाने का रास्ता भी नहीं दिखता। हाय रब्बा, अभी तो सिर्फ मंगनी हुई है और कितनी बड़ी बड़ी गल्ला कर दी है। अरे शादी के बाद क्या होगा? हाय, मुझे आप लोगों से इतना दूर नहीं जाना। पापा जी, इतनी जल्दी मुझे आप सबसे क्यों दूर कर दिया? गीत, होशियारपुर आने का ख्याल ठीक नहीं था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। बस गीत ओढ़ लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। ये मेरे शहर की आवाज, ये मुझे जानती है। मुझे कुछ नहीं होगा। छूने दीजिए इसे मुझे। पता नहीं दोबारा नसीब होगा भी या नहीं। गीत, तुम अपने आप के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि इसमें मैं अपने माँ पापा जी को महसूस करती हूँ। पर मुझे दुख है कि मैं उन्हें कभी नहीं मिल पाऊंगी। गीत, जानती हूँ कि मैं अपने परिवार के पास कभी नहीं जा सकती। बस कि हवा ने मुझे अपने से पराया नहीं किया। इनकी ठंडक में मैं अपनी पुरानी यादें ढूंढ सकती हूँ। गीत, यादों से दूर जाने का फैसला तुम्हारा ही था और वो ठीक भी था, क्योंकि तुम्हारे घर वाले तुम्हें खुद से दूर करना चाहते थे। ये मैंने भी देखा था। इसलिए पुरानी बातों को सोचकर अपना दिल कमजोर मत करो गीत। तुम्हारी कभी ना हार मानने वाली बात ही तुम्हें सबसे अलग करती है गीत। हाँ, मैं कभी किसी से अलग नहीं बनना चाहती थी। मैं भी एक आम जिंदगी चाहती थी जो हर वो 18 साल की लड़की की होती है। काश 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 मैं भी आज अपने घर जा पाती। काश मैं भी अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सो सकती। काश मैं भी रंजी और टीटू के साथ बिना किसी बंधन के खेतों में उड़ सकती। गीत, कुछ बातों का फैसला हम नहीं, किस्मत करती है। एक बात बताऊं गीत, तुम हर उस 18 साल की लड़की से अलग हो जो एक आम जिंदगी जीती है। तुम्हारी जैसी हिम्मत वाली लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तुमने किस्मत से लड़के अपने लिए नया फैसला लिया है, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की है गीत। हाँ, हिम्मत होती तो आज मैं अपने परिवार वालों के पास होती। मैंने कई बार सोचा कि काश बाबा जी कोई ऐसा चमत्कार करते और मैं अपने घर चले जाऊं, मगर ऐसा नहीं हो सकता। बाबा जी ने मेरी किस्मत में इम्तिहान ही लिखी, अकेलापन ही लिखा है। गीत, तुम अकेली नहीं हो। मैं हूं तुम्हारे साथ। हाँ, बोलो, दादी माँ सुन लेगी। आप इस फाइल को पहचानते हैं? फिर से कोई नया शक? शक नहीं, सबूत है ये। आप हमें पागल कह रहे थे ना कि हमें साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। इसे गौर से देखिए और फिर बताइए क्या इस फाइल में। ओ, तो आपको नहीं पता ना कि इस फाइल में खुराना कंस्ट्रक्शंस की एक्स एम्प्लॉय मिस गीत हांडा आपके प्रोविडेंट फंड के पेपर्स हैं, जिन पर आपके सिग्नेचर्स हैं। फिर से गीत। स्टॉप इट देव, बहुत हो गया ये नाटक। देखिए, ये गीत के प्रोविडेंट फंड के पेपर्स हैं और ये देखिए, इन पर ये आपका सिग्नेचर है। अगर आप नहीं जानते थे कि गीत कहाँ है, तो गीत को हमारी कंपनी में जॉब कैसे मिला, और जब वो हमारी कंपनी छोड़कर गई तो उसके प्रोविडेंट फंड के पेपर्स पर आपका सिग्नेचर कैसे आया? देव, हमें जवाब चाहिए। कब से मिल रहे हैं आप गीत से, और आपने मान से ऐसा क्या कहा कि उन्होंने गीत हांडा को हमारी कंपनी में जॉब दे दी? बताइए देव। गीत मान के ऑफिस में? पाप तो उसने किया जी, कसूरवार कोई भी हो चाचा जी। खानदान की इज्जत तो हमारी नीलाम हो रही है। जितना मारना है मार लो, जितना खून बहाना है बहा लो, मैं देव जी को ढूंढ कर रहूंगी। और हम सबका फैसला यही है कि उस बच्चे को गिरा दिया जाए। भाग जा यहाँ से, जा मेरे बेटे, अपनी जान बचानी है तो जा, बचने ना पाए। मेरी पुरखों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वालों की सिर्फ एक ही सजा है, वो है मौत। जिस गली में मैंने अपनी जिंदगी गुजारी, आज उस गली में मैं पल भर भी नहीं रह सकती। मैंने कुछ गलत नहीं किया, बचाना मुझे, प्लीज बचाना। पर हाँ, जिसने मुझे जिंदगी लड़ना सिखाया, उसे बचाने की कोशिश मैं जरूर करूंगी। बस, अब 10 बजने की देरी है। रसिका राठौड़ को उसका जवाब मिल जाएगा, और वो जवाब मैं नहीं, मेरे गांव वाले देंगे। गीत, जल्दी से तैयार हो जाओ, कार ठीक हो गई है, हमें अभी दिल्ली के लिए निकलना होगा। जल्दी करो गीत। अभी तो बस 9 बजे, मुझे तो रसिका मैम को 10 बजे मिलना है। अगर मैं उनसे नहीं मिलती तो वो मानसर को ज्यादा मुश्किल में डाल देंगे, और मैं मानसर को बताऊं कैसे, और बताऊंगी तो वो मुझे कभी जाने नहीं देंगे। अब मैं क्या करूं? चलेगी? हाँ, वो शादी की रस्में थोड़ी बाकी है तो वो देख कर जाते। शादी की रस्में? कल रात तो तुम्हें शादी से नफरत थी, तो आज क्या हो गया? जाके सामान लेकर आओ। अरे सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? तुसी नाश्ता वाश्ता किया आपने पहले? बहन जी, हम लोग लेट हो जाएंगे और नाश्ता हम रास्ते में कर लेंगे। आंटी, वो दूल्हे का सरवाला अभी तक पहुँचा नहीं। लो कर लो जी गल, शादी की रस्में शुरू हो गई हैं और दूल्हे का सरबला ही नहीं पहुँचा। रब जाने क्या होगा, तो खुद समझ में नहीं आ रहा। आंटी जी, फिक्र करने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो सरबला नहीं है तो क्या हुआ, अब ये वाला तो तैयार है ना? क्या कर रही हो तुम? Oh, sweet जी, आप बनेंगे दूल्हे का सरवाला। पर मैं तो अब इसमें पूछने वाली कौन सी बात है कि मुझे कब से कह रहे कि इन्हें शादी की रस्में, ये शोरगुल कितना अच्छा लगता है। गीत, तुम चुप रहो। देखा अब कैसे शर्मा रही है। चलो चलो वीर जी, इसमें शर्माने की कोई गल नहीं है जी। वैसे भी आपकी शादी होने वाली है तो यही समझ लो कि आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। चलो चलो वीर जी, आइए 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 वीर जी, इसमें शर्माने की कोई गल नहीं है। Where is Mr. खुराना? देखिए रसिका जी, जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ, तो मैं तो आपसे माफी मांग रही हूँ ना। Listen, मैंने उनको कल शाम तक का टाइम दिया था, but now that he's not here, पुलिस जाएगी उनके पास। मानसर सही कह रहे थे, शराफत की बोली इनके पल्ले नहीं पड़ने वाली। पल्ले? What? मैं समझती हूँ, माफी मांगना मेरा फर्ज था, मगर क्या करूँ, होशियारपुर की पंजाबन हूँ ना, इसलिए दूसरा इंतजाम भी कर लिया मैंने। मैंने गांव वालों को बता दिया है कि आप उनके खेतों पर होटल बनाना चाहती हैं। अब देखते हैं गांव वाले आपका क्या हाल करते हैं। वो बस आते ही होंगे। जिसको आना है आने दो। बाबा जी, ये लोग तो टाइम से पहले ही आ गए, मुझे छुपने का मौका तक नहीं दिया। अगर मुझे देख लिया तो? गीत, well, well, well. So finally you're here, Mr. खुराना। गीत, चले यहाँ से। दिल्ली के लिए लेट हो रहा है। आप यहाँ? वैसे बात अब तक संभली नहीं है। गीत, मैं इनसे डरता नहीं हूँ। Fantastic. In that case, तुम जेल में सड़ोगे। बस। अब एक और शब्द नहीं। देखते हैं कैसे। चलो पाजी, उधर देखिए, वो आप ही की खबर लेने आ रहे हैं। लंबे चौड़े नौजवान और उनकी गुस्से से भरी लाल आंखें, और उनके हाथ में आपको तलवार और लाठी तो दिख ही रहे होंगे। ये सब आप ही के लिए रसिका जी। चलो भाइयों चलो। ये गीत क्या कर रही है? रसिका से ज्यादा खतरा तो इसे खुद गांव वालों से है। चल देखते हैं कौन होटल बनाता है। नहीं लेने देंगे जमीन, नहीं बनने देंगे होटल। देखते हैं कौन हमें रोकता है, देखते हैं कौन लेता है हमारी जमीन। चलो भाइयों चलो। तुम जानती हो ना, अगर गांव वाले यहाँ आके तो क्या होगा। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। होटल नहीं बनाता। देखिए रसिका जी, आपके पास ये आखिरी मौका है। अगर मैं ये दरवाजा खोल देती हूँ तो फिर आपकी जिंदगी गांव वालों के हाथों में होगी। चलो भाइयों चलो। कहिए, क्या मैं ये दरवाजा खोल दूँ? गीत, तुम क्या कर रही हो? बोलिए रसिका जी, क्या मैं ये दरवाजा खोलूँ? ठीक है, मैं ये दरवाजा खोल रही हूँ। ये गीत क्या कर रही है? खतरा तो इसे खुद गांव वालों से है।